के किसान लगातार बाढ़ सुखाड़ जैसी आपदा से जूझते रहते हैं, तो वहीं भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी किसानों से जुड़ी समस्याएं और उनकी परेशानियों को संसद में उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार किसानों को एक नई परेशानी ने घेर लिया है। किसानों की समस्याओं और कृषि संबंधित परेशानियों को भाजपा सांसद ने संसद में उठाते हुए कहा कि यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन इस बार अररिया के किसान काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मक्का की फसलों में फॉल आर्मी वर्म कीड़ा लगने से फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिसको लेकर अररिया का किसान काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि जो कीड़ा लगा है उसकी सरकार तकनीकी जांच कराए और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें मुआवजा दे। सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे किसान हित में बोलने का अवसर दिया। महोदय, किसान का यह देश है भारत, कृषि प्रधान हमारा देश है। महोदय, मैं अररिया जिला से आता हूं, बिहार से, नेपाल के बगल से। किसान बड़ी महंगी खेती करते हैं लोग, खाद बीज दे करके, और कभी बाढ़ से तबाही हो जाती है, उसका फसल बर्बाद हो जाता है। महोदय, कभी सुखाड़ हो जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाता है, कभी चक्रवात हो जाता है। उसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ महोदय, अभी अभी हमारे यहाँ किसानों को अररिया में महोदय एक फसल का कीड़ा आया है, जो लगा हुआ फसल जो खेती लगाता है वह कीड़े से फसल बर्बाद हो जाती है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि इनका जांच करवा करके किसानों का फसल कितना बर्बाद हुआ है और इस तरह का कीड़ा जो फैला है इसका वास्तव में इसका जांच करवाया जाए अनेक तकनीकी ढंग से कि क्यों इस तरह का कीड़ा लगता है और जो फसल बर्बाद हुई है वह फसल का क्षतिपूर्ति दिया जाए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा। वहीं सांसद द्वारा सदन में इस मुद्दे को उठाए जाने से किसानों में एक तरफ उम्मीद जगी है। सांसद जी जो आवाज उठाए हैं बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी कहा कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार सब उठाया है, लेकिन यहाँ किसान मर रहा है, यहाँ क्षेत्र में देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। सांसद जी उठाए हैं बहुत अच्छी बात है। वो अभी कहा कि एक देहात से ही बिलोंग करते हैं, अच्छी बात है, उनके बात से हम लोग सहमत हैं। अब ये बात है कि किसान तक ये मामला पहुंचे और किसान को इससे हेल्प मिले ताकि किसान भी इस कीड़ा से निजात मिल सके। अभी खाद हुआ चाहे मक्का का बीज हुआ बहुत महंगा हो गया है, इससे आदमी को कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। तो इसके चलते हम लोगों को है कि हमारे जो MP साहब उठाए हैं उसके समर्थन में है हम लोग। इसका मामला हम लोगों को मिलना चाहिए मुआवजा। काफ़ी नुकसान हो रहा है किसान का, काफी नुकसान हो रहा है। धान में तो बर्बाद हो गया है। अच्छा, धान कुछ धान लग के आया, कीड़ा लगा, सारा का कहे धान का जो है बाली नीचे आ गया जमीन पर, उसको कैसे उठाएगा आदमी। अब मकई का हुआ, आप मकई लगाए हैं, इसमें कीड़ा लग गया है। अब इसका इतना लिक्विड लगा डालते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लगता है कि इसमें किसान को मदद मिलना चाहिए सर। बिल्कुल मिलना चाहिए, किसान मर रहा है, किसान को मदद मिलना चाहिए। किसान से ही का मूल का चल रहा है, किसान नहीं होगा तो क्या लोग क्या खाएगा। अरे वही पुलवा लगता है, इतना पुलवा है ना। अच्छा, वही जड़ को काट देता है। तो क्या हो रहा है उससे? गाछ सूख जाता है। सूख जाता है तो सारे पौधे में लग रहा है सर ना? किसी में कलेजे में दिखा देते खेत में। अच्छा, ये बताइए कि इसको रोकने का कोई उपाय कर रहे है? हुआ है, वही दवा दिया है खाद वाला। अच्छा, दुकानदार इधर देखिए मारिए, हाँ स्प्रे कीजिए, वो मर जाएगा। ऐसा हो रहा है, बच रहा है, मर रहा है। अब तो अभी देवे कर रहे हैं। बता दें कि इस खेती में समय मक्का की खेती की जा रही है, लेकिन पौधे निकलने के समय ही फसलों में कीड़े लगने से किसान मायूस है। लेकिन सरकार द्वारा इसकी जांच करा समय से पहले इन फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।